आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेक्शन की है शुरुआत। उत्तर प्रदेश में मौजूद ये सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान जी एरमियार ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि देश में सांप्रदायिक और फूट डालने वाली ताकतों से रहें सावधान, पार्टी कर रही है इस समय चुनौतियों का सामना। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज नहीं होंगी ईडी के सामने पेश। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले केस में वर्षा राउत को किया था समन। और वहीं कर्नाटक में राज्य की विधानसभा परिषद डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। वहीं जोधपुर में 12 वर्ष दुष्कर्म पीड़ित ने बेटे को जन्म दिया। दरअसल बच्ची के साथ 9 महीने पहले दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा था। और वहीं महाराष्ट्र में एक शख्स ने एयर होस्टेस के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को किया गिरफ्तार। युवती का आरोप है कि शख्स से उसकी मुलाकात ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के 1 महीने पूरे हो गए हैं, इसके बाद अब तक उत्तर प्रदेश में 14 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 51 लोग गिरफ्तार। और वहीं लखीमपुर खीरी में एक युवक ने अपने पीठ में एक चीरा लगाकर फिर उसमें कारतूस की गोली रखकर अपने साथ 1.5 लाख की लूट का नाटक किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और शख्स को किया गिरफ्तार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के गनर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़ा है और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहीं चंदौली में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 4 क्विंटल गांजा किया बरामद, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की एक खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया है। दिन दहाड़े सड़क पर दिया गया इस वारदात को अंजाम, जहां पर बदमाशों ने एक शख्स को लोहे की रोड से पीट पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। और वहीं अलवर में अंधविश्वास के चलते 11 साल के मासूम की बलि देने का एक नया मामला सामने आ गया। बच्चे के पिता ने गांव के ही ढोंगी बाबा और अपने ही परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। वृंदावन में आश्रय सदन की सीढ़ियों पर बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिवाड़ी में शातिर चोर मोबाइल शॉप से करीब 40 लाख रुपए के मोबाइल ले उड़े हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक शख्स ने 23 वर्ष युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्कर महिला सरपंच को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सरपंच के घर से 7,19,000 रुपए नकद बरामद किया। कोटा में चाकूबाजी का एक और गंभीर मामला सामने आ गया है। मामूली कहासुनी को लेकर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को चाकुओं से गोदकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और वहीं हिसार जिले में राज्य स्तर के बॉक्सिंग और शूटिंग खिलाड़ी राजेश के उसके ही दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक लगातार जारी है। देश में कोरोना वायरस का आतंक थम नहीं रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है। यूके से लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। कोविड 19 के एक दिन में 20,000 से कम नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण का मामला बढ़कर 1,02,24,303 हो गए। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,000 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 6,20,000। ट्रोल से परेशान होकर एक्टर अंकिता लोखंडे ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो उनको अनफॉलो कर सकते हैं। हाल ही में राजनीति में उतरने का ऐलान करने वाले अभिनेता रजनीकांत अब राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की बात से इनकार कर चुके हैं। एक्टर ने ट्वीट कर 3 पेज का बयान जारी कर अपनी बात रखी है। नेहा कक्कड़ अपने पति सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ म्यूजिक रियलिटी शो के शादी स्पेशल एपिसोड में दिखाई देंगी। सोनी टीवी ने इस एपिसोड की तस्वीरें अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप की मांग के अनुरूप कोविड 19 के असर से निपटने के लिए राहत राशि बढ़ाकर $2,000 किए जाने का मंजूरी दे दी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।